सुशीला अपने कमरे में रात में टीवी देख रही थी, तभी उसकी बेटी लिली चिल्लाती है, माँ माँ। सुशीला जल्दी लिली के कमरे में जाती है, तब उसकी बेटी बोलती है, माँ मैं सो नहीं पा रही हूँ। सुशीला कहती है, रुको मैं तुम्हारा दूध लेके आती हूँ। फिर वो लिली को दूध देती है और अपने कमरे में आके सो जाती है। ऐसा कई हफ्तों तक चला, अब लिली बिना दूध पिए सो ही नहीं पाती थी। एक दिन सुशीला रात में अपने ऑफिस का काम कर रही थी, तभी लिली चिल्लाती है, माँ माँ। सुशीला उसके कमरे में जाती है, लिली कहती है, मैं सो नहीं पा रही हूँ। सुशीला कहती है, अच्छा रुको मैं दूध लेके आती हूँ। फिर वो किचन में जाके देखती है तो उसने देखा कि फ्रिज में तो दूध ही नहीं था, दूध खत्म हो गया था। वो घड़ी देखती है तो रात के 2 बज रहे थे। सुशीला फिर कहती है, ओफो इतनी देर कोई दुकान खुली नहीं होगी। वो फिर लिली के कमरे में जाके कहती है, तुम आज बिना दूध पिए सो नहीं सकती क्या? लिली कहती है, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ पर मैं सो ही नहीं पा रही। सुशीला सोचती है, अब मैं क्या करूँ। फिर वो कहती है, तुम कल स्कूल नहीं जाना। फिर लिली कहती है, कल मेरा प्रैक्टिकल का टेस्ट है, जाना तो होगा ही, और यह मैम ने आज ही बताया था, मैं आपको बताना भूल गई, सॉरी। फिर सुशीला अपने पति को फोन करती है जो नाइट ड्यूटी पे था, सुनो ना तुम जल्दी घर आ जाओ और 24/7 शॉप से दूध लेते आना, लिली सो नहीं पा रही है, उसे दूध पीना है। तब उसका पति बोलता है, मुझे आने में अभी और 5 घंटे लग जाएंगे, मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है एक USA के क्लाइंट के साथ। प्लीज़ तुम ही चले जाओ, ये मीटिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंपनी के लिए, अगर इम्पोर्टेंट नहीं होती और मैं आ सकता तो मैं ज़रूर आ जाता। फिर सुशीला कहती है, ठीक है सेफली घर आना, बाय, और वो फ़ोन कट कर देती है। वो लिली से कहती है, मैं दूध लेने जा रही हूँ, तुम दरवाज़ा मत खोलना जब तक मैं ना आऊँ। छोरो मैं बाहर से ही दरवाज़ा को लॉक करके चले जाती हूँ। फिर वो डोर लॉक करके चली जाती है दूध लेने। आधा घंटा बीत गया, अब लिली को डर लग रहा था क्योंकि उसकी माँ अभी तक नहीं आई थी। थोड़े देर में मेन डोर पे नॉक होती है, सुशीला बाहर से आवाज़ लगाती है, लिली डोर खोलो मुझे कीस नहीं मिल रही है, लिली। लिली डोर ओपन करती है, लिली जब अपनी माँ को देखती है तो वो बदली हुई सी नज़र आ रही थी, उसका स्किन का कलर डार्क हो चुका था और उसकी आंखें लाल रंग की थी। लिली अपने कमरे में चली जाती है, थोड़ी देर बाद उसकी माँ उसके लिए दूध लेकर आती है, पर दूध का कलर सामान्य नहीं था, वो सफ़ेद रंग का नहीं था जैसे दूध का रंग होता है, वो लाल था जैसे कि खून हो। लिली डर जाती है, लिली उसे पीने से मना करती है पर उसकी माँ उसे पीने के लिए फोर्स करती है। लिली डर से दूध को अपने मुंह के पास ले जाती है, तभी उसकी माँ थोड़ी देर के लिए पीछे मुड़ती है। सही मौका देख के लिली उस ग्लास के दूध को अपने पास वाले प्लांट पॉट में डाल देती है। जब उसकी माँ ने देखा कि लिली का दूध खत्म हो गया है तो वो अपने कमरे में चले जाती है। लिली को अब समझ आ गया था कि मेरी माँ हो ही नहीं सकती, इसलिए वो टेबल के नीचे जाके छुप जाती है ताकि वो उस नकली माँ से बच सके। थोड़ी देर में वो लेडी फिर से आती है, पर इस बार उसकी आवाज़ बिल्कुल डरावनी थी। वो बोल रही थी, लिली कहाँ हो तुम, लिली सामने आओ। तभी मेन डोर खुलने का आवाज आता है और हॉल से आवाज आती है, लिली मैं आ गई। लिली देखती है वो लेडी अब कमरे में नहीं है। लिली अपने रूम से डर कर जल्दी जल्दी भाग के नीचे अपनी माँ के पास जाती है और वो अपनी माँ को हग कर लेती है। लिली अपनी माँ को सारा कुछ बताती है और उसकी माँ उसके कमरे में आती है और उसके कमरे को अच्छे से चेक करती है, कमरे में कोई नहीं था। लिली को उसकी माँ बोलती है, कोई तो नहीं है,
लिली बोलती है, आपने अच्छे से देखा क्या, यहाँ पे थी एक औरत। हाँ बेटा कोई नहीं है, तुम रुको मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ। थोड़ी देर में उसकी माँ दूध लेकर आती है। लिली अपनी माँ से बोलती है, प्लीज आप आज मेरे साथ ही सो जाओ। फिर सुशीला कहती है, ओके मैं तुम्हारे साथ सो जाऊंगी, तुम मत डरो, कोई नहीं है यहाँ। लिली दूध पी के दूध का ग्लास को एक टेबल के ऊपर रख देती है। फिर वो और सुशीला दोनों साथ में सोने चले जाते हैं। तभी एक अजीब सी आवाज आती है, और लिली जैसी ही आँख खोलती है उसके सामने वो लेडी भूत थी जो उसके साथ सो रही थी। तो कैसी लगी आपको ये डरावनी कहानी, दो कमेंट डाउन बिलो। और ऐसे ही और डरावनी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।